एक बड़ी घटना हो गई कि भगवान धरती पर है। ब्रह्मा चकित है, विस्मित है, ब्रह्मा अत्यंत विस्मित है ब्रह्मा कि जब प्रत्येक गाय में उसे कृष्ण दिखाई दिए, कपोत कागा कोयल में, कुरंग मीन और भृंग में, तितलियों में, भ्रमरों में, सामान्य जो कीट छोटे कृमि जो रेंगते हैं, ऐसे जीव जो उड़ते हैं, जो जल में हैं, जल की वनस्पतियां, सारे पादप पौधे, जल और अग्नि वायु तेज प्रकाश में एक ही दिखाई दिया, कोई दूसरा नहीं। क्योंकि वो ये परीक्षा लेने आए थे कि कौन है धरती पर, इतना आनंद आमोद प्रमोद, इतना उल्लास किसके कारण है। तो वो तो यहां विस्मित हो गए कि ब्रह्म का साधारणीकरण हो गया, सरल हो गया। ये बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है। सबसे कठिन है सरलता की साधना, सहज होना। साधु सहज समाधि भली, जब आप बहुत सहज होते हैं, शांत स्वाभाविक, जब आप बहुत स्वाभाविक होते हैं, सहज होते हैं, आप में कोई आवरण नहीं, जब ऐन्द्रिक चांचल्यता नहीं, मन की चपलता नहीं, मन की कोई मूढ़ता नहीं, जब चित्त का भी कोई चांचल्य नहीं है, इंद्रियों में कोई हलचल नहीं है, जब उस पल जब आपका अंतःकरण शांत व्यवस्थित मर्यादित रहता है, तो आपका आनंद ही कुछ और है। आनंद जीव का स्वभाव है, मन का स्वभाव है सुख लेना या वो दुखी हो जाता है। मन प्राय या तो दुखी होगा या सुखी होगा, पर आपका जो स्वभाव है वो आनंद का है। आप कहां मन दुखी हो जाता होगा या सुखी हो जाता होगा, हर्षित होता होगा, कभी विस्मित होता होगा, कभी आहत होता होगा, चिंतित और दुखित होता होगा, ये आपका मन, आप नहीं। आप कभी दुखी नहीं हुए, आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता। जिस दिन आप चाहें तो कभी भी कोई आपको दुख नहीं दे सकता। बस आपको ज्ञान में खड़े रहना है, फिर कोई दुख नहीं दे पाएगा आपको, कोई नहीं दे पाएगा। ये तो मन है जो दुखी हो जाता है। आप में आपका मन दुखी है या सुखी है वो जय है। कभी लगता है मैं जीत गया, कभी हार गया, किसी के रूप सौंदर्य को देखकर, वस्तु पदार्थों को देखकर, किसी की अट्टालिका, वाहनों की लंबी कतार और उसकी धन की वृद्धि अथवा उच्च पद प्रतिष्ठा देखकर जो चिंतित आहत होता है वो मन है आपका, या थोड़ा सा पद पाकर जो बौर आ जाता है वो मन है आपका। जरा सा पद क्या मिल गया तो हर दिन हर पल आपको अग्र पंक्ति चाहिए, दूसरे को नहीं आगे बैठने दोगे। पूर्व होने के बाद भी अतीत में था कोई पद, अब तो नहीं है, पर मन है कि घेरे बैठा है, पहली पंक्ति के ही लिए चिंतित है, वो सब में है। ये स्प्रहा तो ये सब में है। महापुरुष भी तो इस स्प्रहा से मुक्त होना चाहते हैं। वित्तेषणा को तो कोई भी जीत लेगा, पुत्रेषणा को, लोकेषणा कैसे जीती जाए। तो जो ऐसे अग्र बनकर हर पल वंदनीय भाव में ब्रह्मा रहते थे कि उन्हें अभ्यास हो गया था, यम वर्ण कुबेर आदि उन्हें नित्य प्रणाम करें। कई लोगों को प्रणाम का अभ्यास हो जाता है, वो ढूंढ रहे होते हैं कि आज किसी ने नहीं किया, कहाँ गए सब, आज तो शीश झुकाया ही नहीं किसी ने, वो मत्था टेकने वालों की भीड़ कहाँ चली गई। तो फिर वहां जाएंगे जहां कोई शीश झुकाए, अभ्यास हो गया है मन को। ये भी एक अभ्यास तो है। ब्रह्मा को लगा कि ये क्या हुआ, यह ब्रह्म इतना सरल, इतना सहज, इतना निर्वैद्य, इतना स्वाभाविक, ये ब्रह्ममय जगत। अश्रु
एक कण जितना है, वैसे सागर दिखा, वैसे जल कण दिखा, वैसे ओस कण दिखा, पूरी प्रकृति में ब्रह्मता, पूरी प्रकृति में ईश समाया हुआ है। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ वो ब्रह्माकार अनुभव, जिससे वेद निकले, जिसे वेद ध्वनित होते हैं, जो पूरी सृष्टि का कर्तार है, जो सृजनहार है। ब्रह्मा को पहली बार ब्रह्मानुभूति हुई, ईश्वरानुभूति हुई कि ये ब्रह्म सर्वत्र, उससे भिन्न कुछ नहीं, मैं भी उसी का स्वरूप हूं। अभी बूंद है लेकिन सागर में मिल जाने के बाद तो वो सागर हो जाती है, अभी तो बूंद है। और कुछ बूंदों ने मिलकर आंदोलन कर दिया कि हम तो अलग एक जगत बसाएंगे अपना। कोई नदी आए, झील जलाशय है, सरोवर है, मेघ धाराएं हैं, हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, न आदर है, न मान है, न सम्मान है, हम भी तो कुछ हैं। ऐसे कुछ बूंदों ने आंदोलन किया और कहा कि सलिलाओं का कितना सम्मान, सरोवरों का, कूप, जलाशयों का, मेघधाराओं का, सागर का, हमारा भी तो कोई जीवन है। ऐसे कहकर एक शिला पट्ट पर, एक ऐसे पत्थर पर रूठ कर बैठ गई कुछ बूंदें, एक पवन का झोंका आया, उनको सब कुछ सुखा कर चला गया। लेकिन जो हठी थी, जिद में थी, कोई बड़ी सी बूंद, उसे लगा कि इससे पहले कि ये पवन मेरा अस्तित्व ही मिटा दे, ये बयार का झोंका मुझे ही खो दे, मुझे ही ले जाए, मेरे रूप नाम का है कलेवर अस्तित्व को, तो मैं विराट हो जाऊं। हवा उसके पास आना ही चाहती थी कि वो बूंद ढरक कर सागर में चली गई और सागर बन गई। उसे लगा कि अब तो मुझे मिटा नहीं पाएगी, अब मैं सागर हो गई। वो हवा भी ठगी सी रह गई कि लो अब इस बूंद को तो कौन मिटाए, जो सागर ही बन गई है। ज्ञान में आप वो हो जाते हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवते, इस कथा का ये सूत्र था। संयोग से कथा में हम कोई सूत्र लेते हैं, कथा में कोई ध्येय वाक्य लेते हैं, कथा में कोई आदर्श वाक्य लेते हैं, कथा में कोई श्रुति वाक्य लेते हैं, कथा में कोई एक मंत्र लिया जाता है, कथा में एक भाव सिद्धि ली जाती है, उसी का आधार बनाकर कथा चलती है और आप उसे अनुभव भी कर रहे हैं। ये एक है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, उसे जानने वाला वही हो जाता है। हमें लगा हम सन्यासियों के बीच में, अलख जगाने वाले महापुरुषों के बीच में, सिद्धों के बीच में जा रहे, नागायति योगी तपह पूत ये वीतराग महापुरुषों के झुंड में, हम उन महापुरुषों के लिए कथा के लिए जा रहे हैं जो वीतराग थे। तो सूत्र भी हमें लगा यही लेना चाहिए, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्मविद है।